आज का जो हमारा वीडियो है वो नए मशीनें नए मेटल डिटेक्टर खरीदने वाले लोगों के लिए भी है, लेकिन उसके अलावा स्पेशली ये उनके लिए है जो बहुत सालों से मशीनें चलाते आ रहे हैं और उनको बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही है मशीनें चलाते वक्त, जो मशीनें मिसबिहेव करती है, जो चूचा आवाज़ करती है, हर जगह पर मिस सिग्नल देती है, फॉल्ट सिग्नल देती है, उनके लिए ये स्पेशली है। एक ही डिटेक्टर अलग अलग फ्रिक्वेंसी में चलेगा जैसा आप ऑपरेट करो, लेकिन इस तरह के मेटल डिटेक्टर तो पहले तो मशीनें बाजार में है ही, तो इसमें अलग क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि ये मशीन आपकी हर जगह पर चलेगी, आपके हर पत्थर के ऊपर चलेगी, चूने की पत्थर के ऊपर चलेगी, हर मिट्टी में चलेगी, हर सॉइल में चलेगी, मैग्नेटिक सॉइल में चलेगी, बीच पे चलेगी, सॉल्ट वाटर में चलेगी और काली समुंदर की मिट्टी में चलेगी, हर जगह पे चलेगी, कहीं पे ये आपको धोखा नहीं देगी। ये इस तरह से मशीन गैरेट ने लॉन्च किया है, इसका नाम है गैरेट एस अपेक्स। ये चार इसमें फ्रीक्वेंसी चलती है, 5 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़, 15 किलोहर्ट्ज़ और 20 किलोहर्ट्ज़। मतलब सारा इंतजाम एक ही मशीन में कर दिया है, वो भी सबसे सस्ते में, सबसे कम पैसों में। देखो आप 1-1 लाख रुपए की मशीन खरीदते हो लेकिन उसमें भी आपको दिक्कतें आती है, उसकी वजह यह है कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी मशीन एक अकेला आदमी जो काम कर पाएगा, उससे अच्छा अगर 5 आदमी एक साथ काम करे तो वो बहुत आसानी से, अच्छे से, सुलभता से काम होता है। तो यही बस खासियत है इस मशीन की। अब बात आती है गैरेट कंपनी की। क्या है गैरेट, कहाँ की कंपनी है गैरेट, कौन इसके मालिक है, कब स्थापित हुई है, तो ये पुराने लोगों को तो बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन इंडिया में अब बहुत सारे नए लोग आ गए जो मेटल डिटेक्टिंग करते हैं और उनको गैरेट के बारे में मालूम नहीं, क्योंकि बाकी बहुत सारे चैनल है जो अलग अलग मशीनों के डीलर है वो अपने मशीनों के बारे में बोलते हैं, लेकिन गैरेट के लिए कोई जरूर मायने नहीं रखता है, क्योंकि गैरेट का नाम ही काफ़ी है, सबसे सस्ते सबसे बेस्ट डिटेक्टर है दुनिया में, हर चीज़ के लिए डिटेक्टर बनाती है गैरेट कंपनी। जैसे समुंदर के पानी से लेके प्रोस्पेक्टिंग मतलब गोल्ड नगेट से लेके बड़ी ट्रेजर हंटिंग तक मिलिट्री ग्रेड की मशीनें बनाती गैरेट, सिक्योरिटी से लेके हर पर्पस का मशीन बनाती गैरेट। तो लीजिए आपके लिए ये गैरेट का कंपनी के बारे में जानकारी वाला एक सामने फ़ोटो है। ये है गैरेट के सब स्टाफ की फ़ोटो जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए अच्छी से अच्छी मशीनें लाते हैं। और ये है गैरेट कंपनी के मालिक इलेनर और चार्लिस गैरेट, ये दोनों इसके फाउंडर हैं। इन्होंने 1 अप्रैल 1964 को अपना पहला मेटल डिटेक्टर बनाया, जो ड्यूअल सर्च कॉइल वाला मेटल डिटेक्टर मार्केट में लाया गया, उसका प्राइस था, उसकी कीमत थी उस समय के $145, मतलब आज भारतीय 12,000 रुपये के करीब होते हैं। और 1967 आते आते गैरेट कंपनी ने 35 से ज़्यादा कंपनियों को कॉम्पिटेट करने लग गए। आज 56 वर्ष हो गए और ये कंपनी धड़ल्ले से शुरू है, अपनी मशीनें बेच रही है, सारी दुनिया में अपने डिटेक्टर बेचती है ये कंपनी। तो अब जानते हैं कौन सी मशीनें बनाता है गैरेट। गैरेट की शुरुआत होती है एस सीरीज से। एस सीरीज वो है कि नॉर्मल लोग जिसको अफोर्ड कर सकते हैं वो है एस सीरीज। गैरेट एस सीरीज में S150 आता है, S200 आता है, S300 आता है, S400 आता है। उसके अलावा अगर थोड़ा ऊपर जाना है, प्रो लेवल में जाना है, तो गैरेट 80 प्रो वाटरप्रूफ, गैरेट 80 गोल्ड, गैरेट 80 मैक्स, GTI 2500 दो कॉइलें आती है उसमें, वो GTI 2500 और उसी में एक बड़ा कॉइल आता है उसको ईगल आई कॉइल बोलते हैं, जो बीच वाले डंडे में आगे कॉइल और पीछे कॉइल होता है उसको बोलते हैं गैरेट GTI ईगल कॉइल के साथ वाला। उसके अलावा है, यह है गैरेट का ATX, पूरा फोल्ड होके 1 फीट का हो जाता है, ये मिलिट्री ग्रेड वाला है, आप इसको थोड़ा गौर से देखिए, ये बड़े ट्रेजर हंटिंग के लिए बहुत बेहतरीन मशीन है। इसमें 14 इंची DD मोनो और बाकी भी कॉइल आती है इसमें, और उसके अलावा इसको 20 इंच वाला डीप सीकर कॉइल आता है जो बड़े ट्रेजर के ऊपर बहुत बेहतरीन चलता है। देखो इसी एक मशीन के लिए और कितने ऑप्शन है, इसी में बनता है गैरेट ATX के लिए विथ 10x12 का DD ओपन कॉइल बनता है, 11x13 का DD क्लोज कॉइल बनता है, 11x13 का मोनो क्लोज कॉइल बनता है। तो इसमें आप छोटे से छोटा नगेट भी ढूंढ सकते हो, मतलब एक कण इतना, छोटे से कण इतना भी सोना ढूंढ सकते हो और बड़े से बड़ा ट्रेजर भी ढूंढ सकते हो। ये समुद्र के पानी में भी चलेगी और बाकी जगह भी चलेगी। देखो जैसे दिक्कत होती है, हम कई जगहों पे जाते हैं जैसे पहाड़ी एरिया में, तो पहाड़ी में मिनरलाइज सॉइल तो होती है, चलो कई बार नहीं भी होती, लेकिन फिर भी मशीन फॉल्ट सिग्नल देती है, तो उसकी वजह क्या होती है,
वो ज़मीन मैग्नेटिक सॉइल होती है। तो उसको चेक कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए हमको एक चुंबक जो आता है ना, एक चुंबक का टुकड़ा अगर उस मिट्टी में हम घिसेंगे तो उसमें हमको बहुत सारे कण उसको चिपके हुए मिलेंगे आपको। तो उसमें मैग्नेटाइज सॉइल होती है वो, तो उसमें नॉर्मल कोई मशीन चल नहीं पाती और फॉल्स सिग्नल देती है। ऐसी जगह पर गैरेट ATX का नाम आता है। ये ज़बरदस्त मशीन है दोस्तों, इसमें आप एक बार जानकारी लोगे तो गैरेट को आप छोड़ोगे नहीं। गैरेट सस्ते से लेके महंगे से महंगे डिटेक्टर है उनके, जो चाहो आप उससे करो, आपके लिए हर ऑप्शन है उसमें। और उसी में इन्होंने निकाला है S-Apex, ये बहुत बेहतरीन है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया। वैसे तो मैं गैरेट की मशीन बहुत पहले से बेच रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ऐसा है कि जब मैंने मशीनें स्टार्ट की थी, मैंने मशीनें बेचना और उससे पहले तो मैंने ढूंढना शुरू किया था। तब तो मशीनें मिलती नहीं थी, तब इम्पोर्ट करनी पड़ती थी बाहर देशों से। तब मुझे जो दिक्कतें आती थी, तो मैं समुद्र किनारे रहता हूँ तो मैं ज़मीन के लिए अलग मशीन लेता था, फिर ज़्यादा डेप्थ के लिए अलग कॉइल मंगानी पड़ती थी या फिर कोई दूसरा डिटेक्टर लेना पड़ता था। क्योंकि कंपनी कैसा है, कोई मशीन बनाई तो उसकी बड़ी कॉइल अवेलेबल नहीं, तो उसके लिए थर्ड पार्टी से कॉइल मंगाओ, बड़ी दिक्कतें आती थी मुझे। तो उसके बाद में समुद्र के लिए फिर ये VLF नॉर्मल मशीन तो समुद्र पे चलती नहीं है। बहुत से लोग जो जिसमें एक्सपर्ट है, आप उनसे अगर बातें करोगे, इसमें बहुत सारे पुराने लोग हैं इंडिया में जो बहुत पहले से सब काम कर रहे हैं। आज 20-20 सालों से, 25-25 सालों से लोगों के पास मशीनें हैं, लेकिन उनको आई हुई दिक्कतें आप उनको पूछोगे तो रो रो के बताएंगे आपको अपनी कहानियाँ। देखो, बहुत सारे जो लोग हैं लाखों रुपये डाल के बाहर देशों की कंपनियाँ बाद में देखती नहीं है उनको। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, आप नाम लेना वाजिब नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहे तो हमसे बात कर सकते हो, हमको कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या दिक्कतें आती है, किसको क्या क्या होता है। तो इसके लिए जो एस्टेब्लिश कंपनी है, जो इंडिया में उसकी जिसके अच्छे डीलर है, जो ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट बेचता है, तो उसमें गैरेट को तो कोई कॉम्पिटिशन है नहीं। गैरेट नाम ही काफ़ी है। तो बाहर देशों से लाई हुई मशीनें जब वारंटी में हम बाहर भेजते हैं, जब जर्मनी या कहीं कई किन्हीं देशों में हम भेजते हैं, तो वो पहले बोलते हैं हमने उनसे 6,000-8,000 डॉलर की जो मशीनें खरीदते हैं, वो मशीनें भेजने के बाद भी जो उनके अनुभव आया है कि आप पहले हमारे अकाउंट में इतने डॉलर्स डालो तो आपकी मशीन को हम हाथ लगाएंगे। तो हमने मतलब हमारे साथ चोरों जैसा व्यवहार होता है इनके जरिए। तो बड़े दुखद अनुभव है लोगों के। इसके लिए हमको जाना चाहिए जो बेस्ट इंडियन डीलर है, कंपनियों के जो बहुत पुराने डीलर है उनके साथ ही हमें जाना है, उसमें हमारा भला है। बहुत सी कंपनियां बंद हो रही है जिसमें वाइट का नाम है। वाइट बहुत बड़ा नाम था, वाइट के डिटेक्टर बहुत बढ़िया थे, लेकिन वो कंपनी बंद हो गई है। अब जिन्होंने जो मशीनें खरीदी है उनको आगे के लिए प्लेटफॉर्म क्या होगा, ये प्रश्न चिन्ह हमेशा बना रहेगा। तो अभी इस बात को हम थोड़ा बाजू में रखते हैं, अभी मेन बात करते हैं गैरेट S-Apex के लिए। अपेक्स मल्टी फ्रिक्वेंसी है, 10 डिटेक्टर हम खरीदेंगे और मतलब हर चीज़ के लिए, हर पर्पज़ के लिए अलग लेना, उससे अच्छा एक ही डिटेक्टर में सारी बातें हैं, वो भी साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक फ्रिक्वेंसी ज़मीन में जाएगी जब आप मशीन ऊपर से स्वैप करोगे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें 5 फ्रिक्वेंसी, 10 फ्रिक्वेंसी, 15 फ्रिक्वेंसी और 20 फ्रिक्वेंसी, इसको आप अलग से भी चला सकते हो और एक साथ भी चला सकते हो। तो उसकी वजह ऐसा होगा, उसका रिएक्शन ऐसा होगा कि जब हम किसी ज़मीन पे ये चलाएंगे तो कहीं कहीं ज़मीनें थोड़ी हार्ड रहती है, जैसे मैंने बोला कि बहुत दिक्कतें आती मशीन चलाने को, सीधी बात में कहे तो वहाँ पे इसमें 4 फ्रिक्वेंसी एक लाइन से एक साथ में ज़मीन में जाती है। तो अगर किसी 2 फ्रिक्वेंसी को तकलीफ हुई जाने में, जैसे सिंगल फ्रिक्वेंसी में होता है ना अपना, अभी अपने पास जो सिंगल फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर है उसमें दिक्कत आती है उसमें, तो वैसे जैसे एक फ्रिक्वेंसी जाएगी तो अगर वो फेल हो गई तो दूसरी है, दूसरी गई तो तीसरी है। तो इस तरह से अगर ऊपर जो ऑब्जेक्ट है पहले उसको पकड़े उस तक जाएगा, मतलब 20 से उल्टा अगर हम लोग पकड़ेंगे, 20 फ्रिक्वेंसी ऊपर का सरफेस का पकड़ेगी, 15 फ्रिक्वेंसी उससे नीचे कॉइन का सरफेस पकड़ेगी, 10 फ्रिक्वेंसी उससे नीचे कॉइन और थोड़ा बहुत ट्रेजर, और 5 फ्रिक्वेंसी ज़्यादा डेप्थ में गहराई वाला ज़्यादा ट्रेजर वो ढूंढेगी। ये इसका साइंटिफिक इसको समझाया गया है, मैं जो समझा रहा हूँ आपको साइंटिफिकली समझा रहा हूँ। तो इस तरह से ये काम करता है मशीन। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आपका फेल नहीं जाएगा, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं नीचे। अब जो मल्टी फ्रिक्वेंसी कुछ कंपनी बनाती है, लेकिन उसकी जो रेंज है वो 1.25 लाख रुपए तक है, कुछ 1.25 लाख रुपए तक बनती है मल्टी फ्रिक्वेंसी। जो इसमें जो टेक्नोलॉजी दी गई है वो टेक्नोलॉजी जो मशीनें हैं वो 1.5 लाख रुपया, 1.5-2 लाख रुपए तक मिलती है, लेकिन इसका कीमत है 60,000 से 65,000 रुपए तक आपको मैक्सिमम आ जाएगा। ये अभी लॉन्चिंग हुआ है इसका, ये अभी इंडिया में शिपमेंट आ रहा है। अगर आपको अगर मशीन लेना है तो आपका बुकिंग आप हमारे पास कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस देंगे।
तो आपको इसमें जाना है। और दूसरी बात, इसमें जेड लिंक हेडफोन है। जेड लिंक हेडफोन मतलब आपको छोटी से छोटी बारीक से बारीक आवाज़ भी आपको क्लियरली सुनेगी। वायरलेस हेडफोन जेड लिंक, उसका उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप गूगल पे जाके जेड लिंक के बारे में जान लीजिए क्या होता है जेड लिंक, ठीक है। उसके अलावा इसमें है वाइपर कॉइल। अब वाइपर कॉइल में क्या होगा, वाइपर कॉइल क्या करता है, 11x6 इंच का वाइपर कॉइल ये काम करता है। ये ऊंचाई में ज़्यादा होता है, चौड़ाई में कम होता है, तो इसके कारण टारगेट सेपरेशन, देखिए 6x11 इंच का DD वाइपर सर्च कॉइल है, दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो। लेकिन ये काम इतना बेहतरीन करता है कि जल्द से जल्द आप किसी खेत में या किसी मैदान में आप चला रहे हो तो जल्द से जल्द पूरा मैदान जल्दी से जल्दी निकलेगा। और अगर गोल कॉइल होगा तो 2-3 ऑब्जेक्ट को ज़्यादा पकड़ेगा और उसके कारण मिस सिग्नल देगा या फिर प्रॉब्लम होता है उसमें, हमको समझ में नहीं आता है, हमको लगता है मशीन फॉल्स सिग्नल दे रही है, हम आगे निकल जाते हैं। तो ये जो इसीलिए इस तरह से कॉइल बनी हुई है इसकी कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट छूटे नहीं। तो ये नया टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाया है, नया सर्च कॉइल बनाया है जिसको वाइपर कॉइल नाम दिया गया है। बहुत बेहतरीन मशीन है दोस्तों, इंडिया के लिए इससे बेहतरीन और कोई मशीन हो नहीं सकता, क्योंकि इस जैसी मशीनें 1 लाख रुपए से ऊपर ही बनती है। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, अपनी मशीन खरीदिए, अपना डिटेक्टर खरीदिए। 10 डिटेक्टर खरीदने से अच्छा एक गैरेट अपेक्स काफ़ी है, जो आपको ढूंढ के देगा 20 किलोहर्ट्ज़, छोटे से छोटा सोने का नगेट्स, छोटा छोटा सोने का गहना, 15 किलोहर्ट्ज़ कॉइन और सोने के बड़े गहने, 10 किलोहर्ट्ज़ बड़े बड़े कॉइन और बड़ी बाकी चीज़ें, थोड़ा बहुत ट्रेजर, और 5 किलोहर्ट्ज़ ज़्यादा डेप्थ और सबसे बड़े बड़े खजाने, जैसे कि बड़ी बिग साइज़ के खजाने, आप उसके मालिक हो सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जल्दी से अपनी मशीन बुक कीजिए, हम आपकी राह देख रहे हैं कॉल के लिए। नया शिपमेंट आ रहा है तो आपका बुकिंग, आप एडवांस बुकिंग कर सकते हो, और 5,000 रुपया, मात्र 5,000 रुपया भर के आप अपना एडवांस बुकिंग कर सकते हो। और आगे गैरेट के हर डिटेक्टर की जानकारी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, स्पेशली अलग अलग उसके लिए एपिसोड बनेंगे जिसमें हम हर मशीन की अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे, ताकि आप अपना डिटेक्टर चुन सके आपके सॉइल के लिए, आपकी जगहों के लिए। अलग से अगर आप कुछ चाहते हो तो वो हमारे पास आपके लिए ऑप्शन है, और वो सिर्फ आपको वीडियो देख के मालूम पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बाय।